मोदी तक वोट दिया है गरीब लोगों ने, जोक दर जोक देते हैं, हर साल देते हैं, हर इलेक्शन प्लान पे देते हैं वोट। आज ये लोग कहते हैं और जायज है इनका कि हम इलेक्शन को बायकॉट करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे, जब हमें उधर से फायदा नहीं है इधर से किसको और पड़े हैं। मैं तो बटोगड़ा पंचायत में रहता हूँ, लेकिन मैं दुकान करता हूँ स्टार्टअप पंचायत के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक बात बहुत बुरी तरह से देख रहा हूँ, पता नहीं ये बात क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन में ये अर्ज करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि आज 31 मार्च भी गुजर चुका है, ईद का दिन भी है, सब बड़े बड़े दिन आए हैं, तो ये लोग इस एमजी नरेगा के लिए तरस रहे थे, सब गरीब लोग इस इंतजार में थे कि हमें एमजी नरेगा पड़ेगा तो हम ईद मनाएंगे, हम कुछ ईद दिन मनाएंगे। तो वोटों की बात आती है, वोट तो क्या बोलते हैं मेंबर से लेकर मोदी तक डाले हैं, आज तक डालते रहे, तो ये एमजी नरेगा नहीं मिलता है। ईद के लिए बहुत इंतजार था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ करना था, गरीब लोग हैं, 100% मजदूर लोग हैं, और मजदूरी की है, नरेगा किया है, काम किया है, तो पेमेंट क्यों बांधे। अगर हम पंचायत टांटा में रहते हैं, यहाँ तो 100% लोग मजदूर हैं, और अफसोस की बात यह है कि 2 साल से हमें एमजी नरेगा में काम कर रहे हैं लोग, किसी को पेमेंट ही नहीं पड़ रही है, किसी को 10 दिन पड़ते हैं, किसी को 15 दिन, किसी की डिमांड ही नहीं है, किसी को बहाना करते हैं कि ये आधार लिंक नहीं है, किसी को कुछ। 2 साल से यहाँ लोग बिल्कुल, इनको मतलब ये भरोसा होता है इसी नरेगा पे कि हमें अब ये, अफसोस की बात है 4 या 5 दिन रह गए ईद को, ईद के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भरोसा होता है कि हम पैसे निकालेंगे, ईद मनाएंगे, गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, तो अभी तक कोई पैसा नहीं पड़ा है, किसी को कुछ बहाना बोल रहे हैं, किसी को कुछ बहाना बोल रहे हैं।